हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू एडवर्ट्स विंग यूट्यूब चैनल सो आज आप अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे वैदिक पीरियड से तो जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि सब इंस्पेक्टर का पेपर जो है वो पंद्रह फेब से स्टार्ट हो रहा है सो so, अभी मैं जो कराऊंगा आपको जो मेन मेन फोर्डर पॉइंट्स कराऊँगा जो आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे और क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है और हमें मडिबियल और मॉडर्न भी कम्प्लीट करना है तो वैदिक पीरियड में हमेशा से पेपर में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है बट मैं फिर भी ट्राई किया है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर अप करा दूँ ताकि कहीं से भी पूछें तो आपके सारे जो भी सिलेबस के पोर्शन है उसको टच कर जाएँ क्वेश्चन तो आज जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से कवर करेंगे तो अगले लेक्चर्स में थोड़ा मैं तेज़ तेज़ चलूँगा जैसे बुद्धिज़्म जैनिज़्म एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूँगा मोरियस का एम्पायर करा दूंगा उसके साथ साथ मगध एम्पायर दोनों इकट्ठे करवा दूंगा और उसके बाद मैं आगे गुप्ता एम्पायर और फिर पोस्ट गुप्ता करवा के आपका एंशन हिस्ट्री को ख़त्म कर दूँगा ठीक है तो आर्यनस की बात करें तो सबसे पहले बोलते हैं कि आर्यन कहाँ से आए हैं आर्यन ओरिजिनली लिव्ड इन द स्टेपे रीजन सबसे पहले सेंट्रल एशिया रीजन की बात की जाती है कि वहाँ से आए हैं हालाँकि कुछ बिलीव करते हैं कि आर्कटिक रीजन से आते हैं ठीक है बाद में पहले स्टेपेज रीजन में है उसके बाद में वो सेंट्रल एशिया में मूव करते हैं और फिर वो पंजाब आ जाते हैं कहाँ कब पंद्रह सौ बीसी अराउंड पंजाब में कहाँ आते हैं ये सेटल होते हैं सप्त सिंधु रीजन पंजाब सप्त सिंधु रीजन जिसको प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है ये तो वहाँ पर ये सेटलअप हो जाते हैं ठीक है तो आर्यनस की बात करें तो आर्यनस ऑरिजनली कहाँ के थे स्टेपेज रीजन के थे मूव कहाँ करते हैं सेंट्रल एशिया में करते हैं और कहाँ के जाके बस जाते हैं सब तो सिंधु रीजन में बस जाते हैं ठीक है यहाँ तक आपको याद रखना है उसके बाद हमारे पास आर्यस के आने के बाद हमारा वैदिक पीरा शुरू एरा शुरू हो जाती है तो उसके बाद हम वैदिक पीरा को दो टाइप में डिवाइड करेंगे सबसे पहले हमारा आएगा ऋग्वैदिक फेस दूसरा हमारा आ जाएगा लेटर वैदिक फेस रिग्वेदी क्यों बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ रिगवेदा ही था ठीक है उस टाइम पे जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो रिग्वेदा था ठीक है 1500 सौ से हजार बीसी के बीच ठीक है अब रिग की बात करें तो रिगवेदस कंसिस्ट ऑफ टेन मंडलास और दस सौ बाईस हाइम्स थे उसमें वन थाउजेंड ट्वेंटी एट हाइम्स थे ठीक है मंडलास फ्रॉम टू टू एट कॉल्ड सप्तऋषि ठीक है मंडलास एज दे आर कंपोज्ड बाय ग्रेट सेवन से सप्तऋषि मतलब सात ग्रेट सेज सप्त ऋषि होता सब्त मतलब है ना सप्त मतलब सात ऋषि आगे से सेज ठीक है इसमें हमारा जो टेंथ मंडला है वो डिस्क्राइब करता है फोर फोल्ड वरना क्लासिफिकेशन फोर फोल्ड वरना क्लासिफिकेशन में हमारा जैसे कि ब्राह्मण क्षेत्रियास वैश्यास और शूद्रास ठीक है और अर्ली वैदिक टाइम पे जो ये जो वरना सिस्टम था था ये वेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्युपेशन ठीक है तब भी ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय क्षत्रिय ही होगा उस टाइम पे ये था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्युपेशन ठीक है उसके बाद हमारे पास थर्ड मंडला की बात करते हैं तो वो थे विश्वामित्र ठीक है लिखते हैं कंपोज करते हैं इसको और जिसमें थर्ड मंडला में हमारा गायत्री मंत्र भी है ठीक है अभी हमें पता है ना गायत्री मंत्र किसको डिपोजिट किया जाता है कॉडेस सवित्री को किया जाता है तो उसके बाद हम जल्दी से कवर कर लेते हैं आर्यनस की एक्सपेंशन जैसे कि हमें पता है कि सप्त सिंधु रीजन ठीक है सप्त सिंधु रीजन में आके सेटल हुए थे सिंधु जो अभी प्रेजेंट डे नाम है इंडस का नाम है जेलम का नाम था बितस्ता ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है चिनाव का नाम था असीकानी रावी का नाम था परूशनी बिपासा ब्यास का नाम था और सतलुज का नाम था सतुत्री और सरस्वती जिसको प्रेजेंट गग्गर कहा जाता है गग्गर ट्रिब्यूटरी है ये हमारी गंगा की ठीक है हो गया आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्यों तक हमने कवर किया कि आर्यन के बारे में पढ़ा फिर हमने अर्ली वैदिक एरा के बारे में पढ़ा किस तरह से अर्ली वेदा आता है उसमें कुछ मंडल्स आते हैं ठीक है ऋग्वेदास की बात की ऋग्वेदास में हमारे दस सौ अठाईस हाइम थे और टेन मंडल्स थे मंडल्स मतलब चैप्टर्स इसमें हमारा टेन मंडल्स में जो है हमारा टेंथ मंडल है वो डिस्क्राइब करता है फोर फोल्ड वर्ना क्लासिफिकेशन ठीक है और उसके बाद थर्ड मंडला जो है हमारा गायत्री मंत्र के बारे में बताता है और जोग्रफिफल जोग्राफिकल एक्सपेंशर भी हमने पढ़ ली कि कौन से सेवन रिवर्स थी उनके एंशियन नाम क्या थे जिस जिसके अराउंड आर्यन सा के सेटल हो जाते हैं ठीक है इसके बाद हम बोलते हैं कि हिमालय का भी मैंशन हुआ था उस टाइम पर ठीक है हिमालय आर ऑल्सो मैंशनड इन अर्ली वैदिक पीरियड अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे सोसाइटी की अब ये मैंने ना फोर्डर पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके लिए यहाँ पे कंपाइल की है मैंने कोई अनवांटेड रीजन्स को एक्सपेक्ट नहीं किया है एक्सट्रैक्ट नहीं किया टॉपिक को क्योंकि मुझे पता है कहाँ से अगर हम हमारे पास टाइम बहुत कम है हमें पेपर को एनालाइज भी करना है तो हमें अच्छे से कवर करना है सिलेबस को किस तरह से कवर करना है वो हमें पता है तो सबसे पहले रिग्वेदिक कम्युनिटीज़ की बात करें तो जनाज होते थे जनाज होते हैं महाजन पदार्थ हम आगे पढ़ेंगे जनाज होते हैं जो पीपल जो हमारी एक स्पेसिफिक लैंड पे ना अपने फुट सेटल कर लेते हैं मतलब कोई लोग एक सेटलमेंट कर लेते हैं एक एरिया पे उसको बोलते हैं उस टाइम की सोसाइटी एग्लिटेरियन थी slaves वर यूज फॉर डोमेस्टिक purposes, नॉट फॉर एग्रीकल्चर ठीक है वरना सिस्टम एंड रिजिड कास्ट सिस्टम वॉज नॉट येट फुली डिवलप्ड मैंने बताया ना उस टाइम पे वरना सिस्टम कैसा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्युपेशन था तो उस टाइम पर इतना कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था पेट्रीलिनियल थी सोसाइटी पेट्रीलिय मतलब पिता के नाम पर ठीक है चाइल्ड मैरिज और सती वहाँ पर एबसेंट थी और विडो रई मैरिज काल्ड नियोग वॉज प्रेबलेंट चाइल्ड मैरिज और सती जो भी अब एवल चीजें थी ना उस टाइम पे कुछ एबसेंट थी ठीक है नियोग होता है लेविरेट नेविरेट की बात अगर मैं अच्छे से के कि जैसे कि ये हस्बैंड है इसकी शादी हुई ये वाइफ है ठीक है हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ़ की शादी करा देते हैं हस्बैंड के भाई के साथ ठीक है हस्बैंड वाइफ होते हैं उसमें से वाइफ हस्बैंड की डेथ हो जाती है ठीक है तो वाइफ की शादी करा देते हैं हस्बैंड के भाई के साथ और मेनली किस लिए होता था जो जना की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए अब एक स्पेसिफिक जना है ना एक जिन्होंने एक स्पेसिफिक लोग हैं क्लैन बोल सकते हैं जात बोल सकते हैं ठीक है वो ऑब्वियसली किसी और जगह में उसकी शादी नहीं कराएंगे अपने ही जाति में करवाएंगे अपने ही कुल में करवाएंगे ताकि हमारी कुल की जो है जनसंख्या बढ़ती रहे उस टाइम के लोग गैम्बलिंग करते थे चेरीवड रेस मतलब घोड़ों की रेस ठीक है फेमस थी उस टाइम पे ठीक है टू ड्रिंक्स सोमा और सुरा ली जाती थी सोमा जो है वो शन की जाती थी बाय रिलीजन कि रिलीजियस पर्पसेस में जैसे जबकि कोई यज्ञ किया जाता था या कोई रिचुअल किए जाते थे तो सोमा को कंज्यूम किया जाता था इट वाज काइंड ऑफ बियर ठीक है यहाँ तक समझ आ गया अभी हम बात करते हैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम तो पॉलिटिकल सिस्टम में हम जना की बात की जना को हेड कौन करता है राजन करता है ठीक है जना डिवाइडेड होता है बिश में बिश डिवाइडेड होता है कुल में कुल का एक यूनिट है आगे गृहा ठीक है गृह को कौन हेड करता है आप गृह को रिलेट कर सकते हो गृहपति ठीक है जना को जैसे हमने पढ़ा राजन गृह को हम कर सकते हैं उसको हेड करता है गृहपति और गृह का भी स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं कुलपा हमारा कुल बोलते हैं ना अब इसको कुल को कौन हेड करेगा कुलपति ठीक है आई होप कि आपको ये पॉलिटिकल सिस्टम समझ आ रहा होगा लाइक like, सबसे ऊपर क्रोनोलॉजी में हमारा जना है ठीक है एक बड़ा यूनिट है उसके बाद छोटा यूनिट हमारे पास बिस है उसके बाद हमारा कुल है छोटा सा यूनिट और कुल का ही आगे यूनिट आता है हमारा गृह मतलब गृहस्थी गृहस्थी इसे समझ कर रहे फैमिली एक स्पेसिफिक फैमिली और एक स्पेसिफिक फैमिली को हेड कौन करता है उस फैमिली का मेल मेंबर जो इम्पो सबसे बड़ा होगा ठीक है गृहपति ठीक है तो समझ आ गया उसके बाद गविश्ती जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के लिए गविश्ती उस टाइम पे फेमस वॉर उस टाइम पे लोगों के कोई ना मनी की करेंसी का एक्सचेंज होता था ना मनी था ठीक है ना वाटर सिस्टम होता था मेनली एक्सचेंज होता था काउज का अब लोगों की अगर चेक करने के प्रेस्टिजियस लोग हैं कितनी अमीरी हैं उनमें तो काउस की जनसंख्या पे रिलेट की जाती थी ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है गविश्ती थी वॉर फॉर काउस गविश्ती एक वॉर लड़ी जाती थी किसके लिए काउज के लिए ठीक है चेंज कलर फर्स्ट ओके तो उसके बाद हम बात करते हैं वज्रपति वज्रपति है जिसकी एक स्पेसिफिक लैंड है जैसे कि हमारे पास दस कनाल है ठीक है किसी के पास बीस कनाल है और एक गांव में सबके पास इसके पास एक के पास सॉरी डेढ़ सौ कनाल है ठीक है तो सबसे पहले सबसे जिसके पास लार्जर लैंड है उसकी पूरी अथॉरिटी होगी उस पर गाँव पे उसको हम बोलते हैं वज्रपति ठीक है समझ आ गया अब उसी टाइम पे एक बैटल हुई थी जो टेन किंग्स मतलब एक ट्राइब्स थी दस ट्राइब्स मिलके किसी एक के साथ लड़ाई कर रहे थे ठीक है ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ और बेल्थ क्या थी उस टाइम पे काउ थी और उसमें से जो जीता जीता कौन है बर्ता कलन इमेज इमर्ज विक्टोरियस उसमें उनके राजन सुदास होते हैं ठीक है यहाँ तक इंपॉर्टेंट था हमारा अब उनकी इकॉनमी की बात करें तो पेश्चुरल इकॉनमी थी ठीक है मेनली क्या करते थे जानवर पालते थे एग्रीकल्चर व सेकेंडरी प्रोफेशन एग्रीकल्चर से ज़्यादा वो पेस्टोरलिज्म करते थे ठीक है दे हैव बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर विद द यूज़ ऑफ आयरन ठीक है आयरन टूल्स ठीक है उसके बाद बाली एक वॉल्ट्रली गिफ्ट होता था एक वॉल्ट्रली टैक्स बोल सकते हैं ठीक है गिफ्ट बोल सकते हैं टैक्स बोल सकते हैं जो प्रोड्यूसर देते थे राजन को ठीक है उस टाइम पे कोई कॉइन्स नहीं थे कोई करेंसी नहीं थी बट एक निष्का नाम के गोल्ड को मेंशन किया जाता है गोल्ड निष्का ये याद रख लेना ठीक है कि उस टाइम पे करेंसी तो नहीं थी बट निष्का नाम के गोल्ड को मेंशन किया गया है ठीक है अब उसके बाद हम आगे चलते हैं वाटर सिस्टम वाज प्रेबलेंट था और मेन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज क्या था कऊ कौ था कॉपर टूल्स हालांकि वहीं पे मिले हैं कहाँ से पंजाब और हरियाणा से यह आपको याद रखना है आयास कॉपर टूल का नाम है या फिर किसी भी मेटल का नाम है आयरन वाज नॉट नाउन अब अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन का कोई पता नहीं था ठीक है जो अर्ली वैदिक पीरियड में था ना आयरन वाज नॉट नाउन टू देम ठीक है पॉटरी टाइप की बात करें तो ऑर्चर पेंटर ग्रे पेयर थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करते थे हंटिंग करते थे कार्पेंट्री करते थे टेनिंग करते थे वेविंग करते थे चैरिट मेकिंग मेटल स्मेल्टिंग एट सकता ये सब उनका प्रोफेशन था ठीक है अब रिलीजियस एक्सपेक्ट की बात करें हम तो दे बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड ठीक है एक ही गॉड पे बिलीव करते थे ठीक है दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप दे वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर ठीक है तो रिलीजियस एक्सपेक्ट की बात करें तो वन सुप्रीम गॉड पे बिलीव करते थे दे डिड नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप उस टाइम पे कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर ठीक है उसके बाद इंद्र की वर्शिप होती थी इंद्र को जिसको बोलते थे पुरंदर बोलते थे डिस्ट्रॉयड ऑफ फोर्स भी कहा जाता था सोमा की वर्शिप होती थी दयुस वायु वरुण ये इंपॉर्टेंट गॉड थे और इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडस वैली सिविलाइसन में हमने पढ़ा था तंत्रिज्म को प्रमोट किया जाता मैजिक था बट यहाँ पे मैजिक एबसेंट है ठीक है डिसाइडेशन ऑफ मंत्र वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिचुअल अब मंत्र को रिसाइड किया जाता था ये उनके रिचुअल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था विष्णु वॉज माइनर गॉड ड्यूरिंग ऋग्वेदा इस टाइम पे विष्णु माइनर गॉड थे अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है लेटर वैदिक पीरियड को स्टार्ट करने से पहले हम फोर वेदास को पढ़ लेते हैं जैसे कि ऋग्वेदा को हमें पता है कि वो अर्ली वैदिक पीरियड में आया था तभी हमें अर्ली वैदिक ईरा आया था पंद्रह से थाउजेंड बी के बीच में ऋग्वेदा आया था उसके बाद हमारे साववेदा है जजुर्वेदा है अथर्वेदा है ये सब पढ़ेंगे ठीक है रिग की बात करें तो दैट वॉज कलेक्शन ऑफ टेन हंड्रेड ट्वेंटी फोर कहीं जगह एक दस सौ अट्ठाईस भी लिखा होगा तो ये नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ठीक है ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदास कंपाइल्ड इन टेन मंडलाज एंड एट अकताक्स ठीक है टेंथ मंडला कौन सा है पुरुषासुक्ता इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट याद रखना है एक पुरुषा सुक्ता कितने हेम्स थे दैट इज मोर देन इन उसके बाद हम बात करें साय वेदा की तो ये क्या है सामवेदा की तो ये है कंपाइलेशन ऑफ हिम्स ऑफ रिग्वेदा इसको बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है म्यूजिक की बात करते हैं इसमें ठीक है इसमें मेनली क्या होता है कंपाइलेशन म्यूजिक बोल सकते हैं इसको म्यूजिक ठीक है बुक ऑफ चांट्स मंत्र जो बोलते हैं ना मंत्र बोलते हैं ठीक है कौन गाता है इसको उद्गात्रीस स्पेशल ब्राह्मण्स होते हैं ठीक है थीके? जब सोमा सेक्रीफाइस होता है ठीक है अब हम बात करते हैं जजुर्वेदा की तो बुक ऑफ सेक्रीफाइस उन प्रेयर्स की ठीक है इसमें भी कैसे मन कौन सा से सेक्रीफाइस किया जाता है जजन वर्शिप ठीक है ये ऐसा जग वैसा जग उस टाइप के सेक्रीफाइस के लिए यहाँ पाँ पे क्या है उसके बारे में बताया जाता था ठीक है इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू एक था कृष्णा जजुर्वेदा जो ब्लैक जजुर्वेदा भी कहा जाता है जिसको और शकुल जजुर्वेदा जिसको कहा जाता है ठीक है अधर वेदा बात करता है हमारा मैजिक स्पेल्स की ठीक है मैजिक स्पेल के बारे में जैसे ट्रीटमेंट ठीक है हेल्थ के बारे में, ठीक है? ट्रीटमेंट उसके बारे में बात करता है ठीक है इट वॉज उसके बाद बात करेंगे रिचुअलिस्टिक सिस्टम था और थे ठीक है इट वॉज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन इंडियन मेडिसिन जैसे मैंने बता किया ना ट्रीटमेंट की, की मेडिसिन की बात की तो ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट था ठीक है प्रोवाइड फ्रीडम फ्रॉम एविल स्पिरिट्स जो ये टोना जादू टोना बुरी चीज़ें ठीक है नज़र लगना इन सब से बचाता था तो आर्यन लिटरेचर की बात करें तो, तो दो टाइप का था एक था श्रुति एक था समृति श्रुति जो ऐसे टेक्स्ट थे जो हम जो ग्रेट ऋषिज थे ना उनसे सुनते हैं जब वो मेडिटेशन में होते हैं ठीक है इसमें हमारे फोर वेदास आते हैं और समिताज आती हैं समृति में बोलते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन से रिकलेक्ट किए जाते हैं ऐसे टेक्स्ट जैसे कुछ ब्राह्मणा से किए जाते हैं तो दो ब्राह्मण वाज नॉट ग्रेट रिशीज दैट टाइम ठीक है ब्राह्मणस वो इज़ हु कंपेराइज मेनली क्या करते से, कर थे सेक्रीफाइस करवाते थे आर एंड वॉज द पीपल हु लिव्ड इन विजिस सॉरी जंगल्स और उपनिषद ठीक है उपनिषद मतलब सिट नियर द गुरु जो गुरु से शिष्य जो बातें सुनता है ठीक है अब इसमें सिक्स थीस्ट फिलासफिक फिलोसफीज थी उनकी इम्पॉर्टेंट उसमें हमारी सबसे पहले आती सांख्या जिसको हम लिखते हैं हमारे कपिल योगा बात करते हैं यूनियन ऑफ सोल विद गॉड पतंजलि लिखते हैं इसको विशेषिका होता है अटामिक थ्योरी बाय कन्नड लिखते हैं इसको न्याय लॉजिक की बात करता है गौतम विमनसा रिचुअल्स की बात करता है जैमनी और वेदांता बात करता है बद्रैन लिखते हैं इसको ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अब हमारे आर्यन जो अर्ली था ना वो हमने कंप्लीट कर लिया देखिए मैंने आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया है ये मुझे ही पता लेकिन हमारे पास टाइम क्रंचिस हैं तो इसलिए हम इसको अच्छे से नहीं बता पाए अभी आपको बट आई एम प्रटी श्योर कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं इस पी को अच्छे से पढ़ लेते हैं जो हम बाद में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करेंगे तो आपके मेजोटी ऑफ द क्वेश्चन यहीं पर बन जाएंगे ठीक है इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जैसे कि मैंने पॉलिटिकल सिस्टम बता दिया अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि दो अर्ली वैदिक में वुमेंस की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी ठीक है वुमेंस वर इंक्लूडेड इन सबाज समितिज इस जगह में ना वुमेन्स को जाने की परमिशन थी ठीक है और जैसे मैंने आपको बताया कि सती प्रथा नहीं थी पर्दा सिस्टम नहीं था विडो री मैरिज की परमिशन थी तो इन्हीं सब चीज़ों से वो क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है मेन गॉड्स कौन थे इंदिरा थे इंदिरा जो पहले नंबर पे आते हैं उनको सबसे ज़्यादा हाइम्स डोनेट की गई थी ढाई हाइम्स थी जो डिवोटेड की थी इंदिरा को उसके बाद हमारे आ जाते थे अग्नि जिसको दो सौ हाइम्स डिवोट की गई थी उस टाइम पे और फिर और बहुत सारे ठीक है अब हम बात करेंगे आगे लेटर वैदिक के बारे में तो लेटर वैदिक एरा में हमारे जो आर्यनस होते हैं जैसे कि हमें पता है कि आर्यन अर्ली वैदिक पीरियड में सप्त सिंधु रीजन में सेटल होते हैं लेटिक वैदिक पीरियड में वो कहाँ जाते हैं गंगेटिक बेसन में थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं और गंगेटिक बेसन में आके बस जाते हैं ठीक है और उस पीरियड में वो सबसे ज़्यादा आयरन का यूज करते हैं और हॉर्स ड्रॉन चैरियोर्स का यूज करते हैं ठीक है आर्यन मूव करते हैं ओवर ईस्ट वायर्ड में और वो अकोबाई कर लेते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी और बिहार को ठीक है अब हम आर्यन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो विदाता डिसपेयर टुगेदर इन लेटर वैदिक पीरियड जो विदाता था जो अर्ली वैदिक पीरियड में था वो बाद में क्या हो जाता है लेटर वैदिक टाइम में वो क्या करता है डिसअपेयर हो जाता है सभा और समिति होती है सिर्फ लैंड होल्डिंग के लिए और उसका करैक्टर चेंज हो जाता है पहले जो था ना सभा समिति उसमें मेजर डिसीजन लिए जाते थे ठीक है किसको क्या करना है किसके लिए कौन सा टैक्स होगा किस विलेज के लिए उसमें कोई क्राइम कर देता है उसके लिए क्या सजा होगी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट फीचर्स इनिशिएटिव्स लिए जाते थे उस टाइम पे बट इसका कैरेक्टर धीरे धीरे क्या करता है लेटर वैदिक पीरियड में चेंज होने लग जाता है ठीक है अब सभा और समिति में वुमेन्स की परमिशन नहीं दी जाती थी अब पहले दी जाती थी पहले वुमेन्स को इक्वल राइट्स थे वुमेन्स एज यंगस्टर्स दे बोथ वर अलाउड टू ज्वाइन सभा एंड समिति बट इन लेटर वैदिक पीरियड वुमेन वर नो लॉन्गर अलाउड टू सिट ऑन द सभा एंड नोबल्स एंड ब्राह्मण्स नाउ डोमिनेटेड अब मेनली डोमिनेट कौन करने लग जाता है ब्राह्मण और नोबल्स जो हाई अलीट क्लासेस होती हैं, ठीक है जिनका सोसाइटी में क्या है और है। पोजीशन पे है वो धीरे धीरे डोमिनेट कर लेते हैं ठीक है अब हम इसमें बात करते हैं आगे सॉरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले जब मैं इसको आपको कंपैरिजन करके ही बता रहा हूं ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में उनका पेस्टरलिज्म था वेस्ट रिजम मेन प्रोफेशन था धीरे धीरे जब वो नॉर्थ वेस्टर्न में आ जाते हैं हमें पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि गंगेटिक प्लेन्स या फिर इंडस वैली इंडस वैली रीजन वो मेनली फर्टाइल होते थे ठीक है फ्लड्स वगैरह भी होते थे उसकी वजह से क्या होता था सेडिमेंटेशन की वजह से अच्छी वाली रे वो आती थी पानी की फैसिलिटीज़ उनके पास अच्छी थी तो धीरे धीरे वो उनको क्या करने लगे वहीं पे सेटल होने लग जाए ठीक है गंगेटिक रीजन में वो सेटलमेंट होती है लेटर विद्युक पीरियड में और एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन बन जाता है ठीक है इंडस्ट्रियल वर्क भी स्टार्ट हो जाता है जैसे कि उन्होंने आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया था और उसके साथ साथ मेटल वर्क पॉटरी और कॉर्पेंट्री वर्क और ठीक है देर वॉज फॉरन ट्रेड विद बैपी ठीक है सेंट्रल एशिया के साथ धीरे धीरे इनका फॉरन ट्रेड भी इस्टेब्लिश हो जाता है अब इनके रीजन्स की बात करें और इसमें कुछ किंग्स थे जैसे रीजनल की बात करेंगे तो ईस्टर्न में हमारे किंग सम्राट थे किंग सुब्रत थे हमारे वेस्टर्न रीजन में नॉर्दर्न में किंग विराट थे और सदन में किंग बोझ थे और मिडल में हमारे थे राजा एक साइड राजा था और उसके आगे पीछे नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न हर जगह हर जगह क्या थे रीजनल रूलर्स थे हालांकि आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो आगे चलते हैं हम लोग अब इम्पोर्टेंट पोस्ट हमें याद करनी है ये मैं आपको आपके साथ शेयर कर दिया है एक बार पढ़ लीजिए पक्का क्योंकि इसमें से अगर आपको क्वेश्चन बनेगा कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड किसको बोला जाता था सेनानी को बोला जाता था पेस्चुरैंड ऐसी लैंड जिस पे क्या करता है पेस्चुरिज्म होता है उसको कौन होल्ड करता है प्रजापति करता था उसका ऑफिसर था पुलिस ऑफिसर को उस टाइम पे क्या बोला जाता था जीवा ग्रीवा बोला जाता था ठीक है अब हेड ऑफ़ द विलेज ग्रामणी हेड ऑफ़ द फैमिली कुलपति जो मेडिएटर होता था आर्बिट्रेटर बोलते हैं मध्य जो दोनों दो ग्रुप्स के बीच में अगर झगड़ा होता है तो वो एक मेडिएटर का जो तीसरा बंदा होता है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है उसको मध्यमासी कहते थे रेवेन्यू कलेक्टर को क्या बोलते थे एक बार ये आप लिस्ट भी जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है अब आगे चलते हैं ऑक्यूपेशन की बात करें तो अब आर्यन मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने क्या करने लगे नॉर्दर्न वेस्टर्न जैसे कि नॉर्थ वेस्ट और नीचे आते गए गंगेटिक रीजन की तरफ आते गए तो वो उन्होंने क्या करने लगे गए लाइफ जीने लगे सेटलमेंट सेटल लाइफ जीने की कोशिश करने लगे द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑन ए लार्जर स्केल ठीक है एंड जैसे कि एज वी नो इंडस वैली सिविलेशन में शुगर केन वॉज नॉट डाउन टू दैम बट लेटर वेदी में शुगर केन की कल्टिवेशन होने लग गई ठीक है कैटल वॉज स्टिल द प्राइमरी सोर्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अब उन्होंने धीरे धीरे क्या करने एलिफेंट्स को भी रखने लग गए ठीक है अब उसके बाद बोलते हैं बीट की कल्टिवेशन होती थी उसके बाद वार्ले भी होता था राइस भी है बट इट वॉज नॉट ए सिग्निफिकेंट क्रॉप राइस कनमेंशन तो जरूर है बट एक सिग्निफिकेंट क्रॉप नहीं कि वो जो डोमिनेट करेगी उस टाइम पर लोगों को वो नहीं थी बीन सी ये आपको सब पता ही है Mungor, तो ये सब भी था ठीक है कुछ ट्रेड आर्टिस्ट और क्राफ्ट मैन आते हैं ट्रेड आल्सो इंक्रीज विद जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया था बेबी के साथ ट्रेड इमर्ज होता है अब उस टाइम पे फोर टाइप की पॉटरी आती है पहले मैंने पढ़ा था आपको पता था, था ना ओचर और पेंटेड पॉटरी थी अब फोर टाइप की पॉटरी आती है उसमें से सबसे पहले ये ब्लैक एंड रेड वेयर तो इसके बाद हमारी ब्लैक स्लिप्ड बेयर पेंटेड ग्रे बेयर और रेड बेयर बेयर ठीक है ये प्रेबलेन थी ठीक है अब देख ये हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आरेंस वर फैमिलियर विद द कॉपर यूज ऑफ कॉपर और ब्रोंच एंड विद आयरन ठीक है इनसे वो फैमिलियर थे दे इंट्रोड्यूस पेंटेड ग्रे बेयर नॉर्दर्न इंडिया में उनकी कौन सी आती थी पेंटेड ग्रे बेयर थी ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ बाउल एंड डिशेस दैट डिशीज यूज फॉर रिचुअल्स या फिर खाना खाने के लिए या फिर दोनों के लिए ठीक है अब करेंसी की बात करें तो सता ब्राह्मण एक वो है हमारी टेक्स्ट है उसमें बताते हैं कि गोल्ड पीस की बात की गई थी ठीक है जिसको नाम था सता माना अब अर्ली वैदिक पीरियड में गोल्ड का कौन क्या नाम था अगर आपको याद होगा निष्का ही बोलते थे गोल्ड को ठीक है अब लेटर वैदिक में ये कॉमन करेंसी आ गई थी ठीक है दो और किस्म के हमारे सर्कुलेटिंग कॉइन्स थे एक था कृष्णाला और एक था सुबर्ना मेटालिक क्वंस तो आगे थे बट वाटर सिस्टम वाज स्टिल क्या था एक मेजर मतलब एक बोलते हैं ना स्टिल प्रेबलेंट कि जिसको फेवर किया जाता था वो अभी तक वाटर सिस्टम ही था ठीक है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अब अपन लोग मैरिज की बात करते हैं तो दो टाइप की मैरिज उस टाइम पे एक टाइम हालांकि उसमें आठ टाइम की मैरिज प्रेबलेट थी जिसमें से जो पहली चार थी वो प्रेवलेंट थी और लास्ट वाली चार को बोलते थे कि ये अच्छी नहीं है ठीक है उसमें कुछ थी कि अगर सोए हुए लड़की ये सब अभी अब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सबको जानना ठीक है हमारे बस ये है कि ब्राह्मण देव अर्श और प्रजापति जो मैरिज थी वो हमारे लिए अलाउड थी अर्ली वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में ठीक है और दो टाइप की मैरिज थी अनोलोमा मैरिज और प्रतिलोमा मैरिज अनलोमा में जो मैन है ना वो अपने वरना के नीचे वाली वरना के साथ लड़की के साथ शादी कर लेता है लाइक like, ब्राह्मण था ब्राह्मण को कोई शूद्रा पसंद आ जाती है और ब्राह्मण लड़का है और वो शूद्रा लड़की है और ब्राह्मण शूद्रा लड़की से शादी कर लेता है इसको अनोलोमा बोलेंगे ऐसा ही अपोजिट हो लड़की ब्राह्मण हो लड़का शूद्रा हो और ऐसी शादी को बोलते हैं प्रतिलोमा मैरिज ठीक है अब धीरे धीरे क्या हलता है कि हमें पता है कि सबसे पहले वरना सिस्टम आया चार वरनाज आए अब धीरे धीरे क्या होता है कि गोत्रा सिस्टम भी इमर्ज होने लग जाता है ठीक है बहुत सारे गोत्राज आते हैं पीपल्स क्या करने लग जाते हैं एक्जो करने लग जाते हैं मतलब अपने गोत्र से बाहर शादी करने लग जाते हैं ठीक है आश्रम सिस्टम चार टाइप का आश्रम सिस्टम उस टाइम पे इमर्ज होता है सबसे पहला होता है ब्रह्मचारी फिर उसके बाद हमारा था गृहस्थी ठीक है फिर उसके होता बाण प्रस्ता और उसके बाद होता है सन्यास ब्रह्मचार्य मतलब टिल ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक की एज तक कंप्लीट ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे कंप्लीट डिसिप्लिन में रहेंगे गृहस्थी में हमारा आ जाता है अर्थ कर्म ठीक है ये सब कि मतलब सोसाइटी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है फैमिली को एक्सपेंड करने के लिए शादी करनी है बच्चे पैदा करने तो ये सब गृहस्थी में आ जाता है ठीक है बाण प्रस्था में आता है कि थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहता है पार्शियल रिटायरमेंट लेनी चलती है मंथ जो वर्ल्डली थिंग्स हैं है मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनसे धीरे धीरे क्या करना है थोड़ा पीछा छोड़ने लग जाना है और सन्यासा होता है कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द अर्थ ठीक है बट लेटर वैदिक पीरियड में सिर्फ तीन ही थे ठीक है और ये चौथी वाली जो बोलते हैं ना कंप्लीट वाला रिटायरमेंट ये उस टाइम पे प्रेबलेंट नहीं था ये सिर्फ उपनिषद में प्रेबलेंट है ठीक है कौन से उपनिषद में जवाला उपनिषद में सन्यास की बात की है ये संन्यास जो है ना पहले तीन आश्रम prevalent थे हमारे लेटर वैदिक में बट जो संन्यास फोर्थ आश्रम है वो कब आया है ये उपनिषद जवाला में आया है जवाला उपनिषद में इसका मेंशन है ठीक है रिलीजन की बात करें तो अब जो इंद्र ये सब की क्या बोलते हैं अपनी जो सिग्निफिकेंस है वो कम होने लग जाती है अब एक क्रिएटर आते हैं प्रजापति ठीक है उनकी डोमिनेंस आ जाती है उसके बाद रुद्रा गॉड ऑफ एनिमल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और विष्णु को बोलते हैं करता दर्ता जैसे बोलते हैं ना कि हम प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द मैन ठीक है अब कुछ सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स की भी वो क्या करते हैं वर्शिप करना शुरू कर देते हैं और कुछ एडल्ट्री के एविडेंस भी मिले हैं कि अब वो मूर्ति पूजा करते हैं ठीक है इसमें लास्ट स्लाइड है हमारी इसमें हम बात करेंगे एपिक पीरियड की हमने अभी तक हमने अर्ली वैदिक पीरियड करा उसमें हमारे चार वेदाज उसके बाद हमने कवर किए फिर हमने लेटर वैदिक एरिया को ख़त्म किया किस तरह से वो सप्त तो सिंधु से हमारे गंगेटिक प्लेन में आके जाके बस जाते हैं किस तरह से वो एग्रीकल्चर को छोड़ के सेटलमेंट करने लग जाते हैं ठीक है उस टाइम पर एग्रीकल्चर नहीं थी पेस्टोरिज्म को छोड़ के सेटलमेंट करने लग जाते हैं एग्रीकल्चर करने लग जाते हैं ठीक है क्रॉप्स कल्टिवेशन करने लग जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास आते हैं रामायण और एक महाभारत दो ही एपिक हैं रामायण का जैसे कि हमें पता है कि वाल्मीकि ने इसको लिखा है और महाभारत से कुछ डेढ़ सौ साल बाद है रामायण स्टोरीज ऑफ इंडिजिनियस ओरिजिन जो प्रकृत में लिखी गई थी संस्कृत में इसको बाद में लिखा गया जो श्लोकास में लिखा गया इसको हम आदि कापी भी बोलते हैं अब इसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको ठीक है ये इसमें हमें पता होना चाहिए कि आर्यन कौरवस और पांडे की बार थी ये सब हमें बताए ठीक है तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे अगली क्लास में मैं आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अच्छे से कवर करा दूंगा इसमें से उसकी लिटरेचरी सोर्स लिटरेरी सोर्स ठीक है कौन सी पाली लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज वो सब मैं कवर करा दूँगा तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी, भी, भी जरूरत नहीं है किस तरह से बुद्धिज़म इमर्ज होता है किस तरह से वो अशोका उसको पैटरनाइज करते हैं वो हम मोरेन एम्पायर में कर लेंगे और मोरन के आर्किटेक्चर फीचर पढ़ लेंगे हम और जल्दी से हम गुप्ता एम्पायर को ख़त्म करके हम एनशियन हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे पहली अगली तीन से चार क्लासेज में आपको एनशियन हिस्ट्री ख़त्म करा दूंगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं जय हिंद